नर्सिंग वेलकम प्रोग्राम राज़े चमन में, और अगर आपको भी खुदाबंद ने कोई ना कोई गिफ्ट दे रखा है तो प्लीज़ हमसे ज़रूर राबता कायम कीजिए। हमारे नंबर्स जो हैं, मेरा और मेरे तमाम दोनों जो गेस्ट स्पीकर्स हैं आज मेरे साथ, इनके नंबर्स आप प्रोग्राम से और या TorontoLive.tv की वेबसाइट से आप हासिल कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप ज़रूर मुझसे या डॉक्टर नवाज से या डॉक्टर रशीद से रब्ता कीजिए। तो आज के प्रोग्राम में जो है वो डॉक्टर रशीद एक बड़ी स्पेशल चीज़ हमारे लिए लेकर आए हैं, और उनके साथ हैं डॉक्टर नवाज पेशावर से। डॉक्टर रशीद जो है ये टोरंटो एरिया में एक सीनियर पास्टर हैं की खिदमत अंजाम देते हैं, जहाँ भी खुदाबंद इन्हें इस्तेमाल करता है, और बहुत सारी बुक्स के ऑथर हैं और बहुत खूबसूरत पोइट भी हैं, बहुत सारी पोइट्री पे इन्होंने किताबें भी लिखी हैं। और आज खुदावंद ने इनको ये इनसे जानेंगे, बल्कि इनसे पूछेंगे कि ये दुआ का सिलसिला जो है ये क्यों कर इनके जहन में आया। उनके साथ जो है वो डॉक्टर नवाज उनका साथ दे रहे हैं। डॉक्टर नवाज इस वक्त पेशावर से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और डॉक्टर नवाज प्रोफेशन के हिसाब से ये मेडिकल लैब टेक्नीशियन है, वहाँ पे अपनी सर्विसेज जो है वो एक अरसा से दे रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये बहुत खूबसूरत ऑथर भी हैं। अंजीर के नाम से मैंने इनकी किताब एक देखी है, जो पास्टर्स के लिए और एक लेमैन के लिए बड़ी हेल्पफुल किताब है, और वेरी सून मैंने सुना है कि इनकी एक और किताब जो है वो भी लॉन्च होने वाली है। अगर हो चुकी है तो डॉक्टर साहब खुद बता देंगे, और इसके साथ साथ और भी इनकी बुक्स हैं। अगर आपको कभी की ज़रूरत हो तो आप दोनों हमारे ऑथर्स जो हैं इनसे आप रबता कायम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर रशीद आपकी तरफ आऊँगा। आप हमें ये बताइए कि इतनी जो ये इस वक्त करंट सिचुएशन है, जिसे पैनडेमिक सिचुएशन के नाम से याद किया जा रहा है, पुकारा जा रहा है, ये आपको कैसे और क्यों का ख्याल आया कि दुआ का सिलसिला शुरू किया जाए? सबसे पहले तो वादी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं अपने नाज़रीन के सामने रूबरू हो सकूँ, और ख़ुसूसन आज के दिन पे जब के हम ईद अल क़ियामत अल मसीह मना रहे हैं, खुदावन यीशु मसीह आज मौत और कब्र पर फतह पाकर जिंदा हुआ, उसने अपने वादा को पूरा किया और हम सब ईमानदार उसके साथ जिंदा हो गए। और रहा सवाल आपका कि ये ख्याल मुझे क्यों आया कि दुआ की जाए और ख़ुसूसन आज के हालात में, तो आपको ये इल्म होगा कि इंसानी फितरत है कि जब हम पर ज़हनी दबाव होता है या हम घबराए हुए होते हैं तो बिल आखिर हम खुदा की तरफ लौटते हैं। तो आज मेरे साथ दूसरे साहब जो मौजूद हैं उनका ताल्लुक मेडिकल प्रोफेशन से है, तो उनको ये तजर्बा होगा कि जब मरीज करीबल मर्ग होता है तो डॉक्टर हजरात यही कहते हैं कि अब दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। तो मेरा ये ख्याल था कि हम सब लोग जो है वो घबराए हुए हैं, परेशान हैं, और एक मसीही होते हुए हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हमें जिंदा खुदा के सामने जाना चाहिए, अपनी इल्तजाएं मुनाजात और परेशानी जो है उसको बतानी चाहिए, और हमारा ईमान है कि वो हमें बचाने के लिए, अपनी पनाह में रखने के लिए, हर वबा से, हर मुसीबत से महफूज रखने के लिए हर वक्त मौजूद है और उस पर कादर है। डॉक्टर रशीद साहब आपका बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नवाज, जैसा कि डॉक्टर रशीद साहब ने भी मेंशन किया कि आप मेडिकल के हवाले से हैं, यस ऑफ कोर्स, और जो बात उन्होंने ख़ास तौर पे कही कि जब आखिरी इंसान का लम्हात होते हैं तो डॉक्टर्स भी जो है वो जवाब दे देते हैं, वो भी बिल आखिर दुआ की तरफ लौट आते हैं कि अब दवा की नहीं दुआ की ज़रूरत है। तो आप इस करंट सिचुएशन के हवाले से क्या कहेंगे, या जो आप आजकल आप फेस कर रहे हैं वहाँ पे अपने प्रोफेशन में या बीइंग अ क्रिश्चियन टू? जी डॉक्टर नवाज इकबाल।
सबसे पहले मसीह में आप सबकी सलामती हो और वो तमाम नाज़रीन जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं, मेरी तरफ से, मेरी फैमिली की जानब से आप सबको ईद क़यामत मसीह और उस मौत और कब्र पर फतह जो है वो खुदा उनमें मुबारक हो। सर, जो सिचुएशन तो जो हम देख रहे हैं, सबसे पहले मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको डिस्कस करूँ। बाकी थ्रू आउट द वर्ल्ड जो है वो यकीनन ऐसा होता है, लेकिन पेशावर में, पाकिस्तान में और कहीं नहीं होता। पेशावर की लास्ट जो मेरी एज है तकरीबन, मैं 50 ईयर से देख रहा हूँ कि सुबह बहुत अर्ली 4 बजे सिटी ऑल सेंट चर्च से एक जुलूस की सूरत में बहुत बड़ी कलीसिया, पूरे पेशावर कलीसिया जो है वो निकलती थी और खुदा यीशु के जी उठने की खुशखबरी और उसकी हमदोसना और उसके गीत गाते हुए पूरे पेशावर का राउंड लेकर वापस चर्च में पहुंचती थी और वहाँ खुदान की जो अर्ली सनराइज सर्विस है वो अदा की जाती थी। इस दफ़ा हमने वह बहुत ज़्यादा मिस किया उसको, और साथ ही चूँकि लेकिन खुदान खुदा का हम शुक्र अदा करते हैं सारी सिचुएशन में, ख़ास तौर पर इस इंटरनेट की फैसिलिटी का। खुदावन अगर बहुत से रास्ते खोलता है अपने जलाल के लिए, अपनी खिदमत के लिए, तो हमने आज सुबह ऑनलाइन सर्विस अपने चर्च की, ऑल सेंट चर्च की हमने अटेंड की। सो खुदा उनके नाम को जलाल दिया और इसी तरीके से तमाम चर्चेस में, तमाम जगह पर जो है वो ऐसा किया गया। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर रशीद, आपने सुना डॉक्टर नवाज़ जो कह रहे थे कि उन्होंने चर्च सर्विस जो है मिस की, और मैं अक्सर, इन्होंने, डॉक्टर नवाज़ ने आज की ये जो इंटरनेट की फैसिलिटीज़ हैं या मॉडर्न साइंस है, जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं, इनके हवाले से जब डॉक्टर नवाज़ ने बात की, तो मैं इस बात की फेवर में हूँ और ये अक्सर कहता हूँ कि ये उन दुआओं का असर है जो लोग मिशनरी काम और जो लोग जंगलों में जाके खुदावंद के कलाम की मुनादी करते थे, मुश्किल रास्तों से सफ़र करते थे, ये सब आज की जो फैसिलिटीज़ हैं, चाहे वो रोड्स हैं, चाहे वो टीवी है, बुक्स हैं, लिटरेचर कोई भी है, कुछ भी मीडिया है, ये सब उनकी दुआओं का असर है कि आज हम इतनी सहूलत के साथ सारे काम कर सकते हैं। आज अगर चर्च भी जाते हैं तो साइकिल पे जाते हैं, मोटरसाइकिल पे, गाड़ी पे जाते हैं। तो ये आप, डॉक्टर साहब, आप क्या कहेंगे कि ये हमारी दुआएं जो हैं, खुदा के खादमों की दुआएं जो हैं, वो किस हद तक इंसान की भलाई के लिए काम करती हैं और खुदाबंद कैसे उनका जवाब देता है, चाहे वो लेट ही क्यों ना हो। खुदा की नज़र में तो लेट नहीं होता, लेकिन इंसान की नज़र में। फादर साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि खुदावन के जिंदा कलाम में मरकूम है, बिला नागा दुआ किया करो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यसु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। अब देखिए, अगर थोड़ा सा हम इस आयत का तज़िया करें तो उसमें जरिए को अहमियत नहीं दी गई कि आप किस तरह दुआ करें, बल्कि ये कहा गया है कि जिस भी हालत में आप हों दुआ करें और बिला नागा करें। चर्च जाना अफजल बात है, अच्छी बात है, और ये हमारी तहजीब का हिस्सा है और हमें सिखाया गया है, लेकिन अगर हम किसी मजबूरी के तहत या हुकूमत की तालीमात के मुताबिक नहीं जा सकते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दुआ से गुरेज करना चाहिए या इसको बहाना बना लेना चाहिए, बल्कि जिस भी हालत में हम हों, मेरी नाकस राय के मुताबिक हमें दुआ करते रहना चाहिए, और वो भी बिला नागा, क्योंकि खुदावंद जो है वो हर हाल में हमारी दुआ को सुनता है और उसके कान हमेशा हमारे इल्तजाओं पर लगे रहते हैं। उसको इस बात से गरज नहीं है कि किस जगह पर बैठ के दुआ की जा रही है, वो ये चाहता है कि वो ये देखे कि किस नीयत से दुआ की जा रही है और मांगने वाले का ईमान क्या है। अगर हम ईमान से किसी जगह भी बैठकर दुआ करते हैं
तो खुदावन हमारी दुआ को ना सिर्फ सुनता है बल्कि उसका जवाब भी देता है। और बसाकात ऐसा होता है कि उसका जवाब हमें फिल फौर नहीं मिलता, लेकिन उसका जवाब ना मिलना जो है इस बात की हरगज ये तशरी नहीं करता या दलालत नहीं करता कि हमारी दुआ कबूल नहीं हुई, बल्कि वो इस चीज को जाहिर करता है कि खुदावंद अपने मुकर्रा वक्त पे जिस चीज की हमने दरख्वास्त की है वो हमें अता करेगा। जी डॉक्टर नवाज, आप मजीद अपनी बात को कैसे बढ़ाएंगे? मैं डॉक्टर साहब की बात को कैरी करूंगा कि हमें जरूर है कि बिला नागा दुआ करें, क्योंकि खुदावंद ऐसे परिस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रसिज करें, और वो उसी सूरत में हो सकता है कि जब हम मुकम्मल तौर पर अपने आप में खुदावंद के पाक रूह को अलाउ करेंगे कि वो हमें गाइड करे, वो हमें कंट्रोल करे, हमारे इमोशंस को, हमारी बातचीत को, हर चीज़ को, कि तभी खुदावंद का जिंदा कलाम जो हमारे कदमों के लिए राह के लिए रोशनी है तभी वो हमारे लिए कहलाएगा अगर हम उस कलाम मुकद्दस पर खुदा के पाखरू की हदायत में चलते हैं। इसके साथ जैसा कि डॉक्टर साहब ने बात की कि खुदा के खौफ की उन्होंने बात की, तो देखिए मेडिकली भी हम ये जानते हैं कि चूंकि मेरा प्रोफेशन भी है तो हम जानते हैं कि जब बंदा किसी खौफ में मुबतला होता है तो अगर आप एक साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, साइकोलॉजिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमें आगे बढ़ने से जो चीज सबसे ज्यादा हमारे लिए रुकावट बनती है या बन सकती है वो खौफ है, डर है कि क्या होगा। लेकिन अगर हमारा ईमान खुदावंद पर है और हम खुदा के पागरू की हिदायत में चलते हैं तो फिर ये खौफ हमें खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता। सो जरूर है कि हम अपने ईमान को मजबूत रखें और उसी में, उसके रूह में कायम होकर उसके खुदावंद के नाम को हम जलाल दें। जी थैंक यू डॉक्टर नवाज। डॉक्टर रशीद साहब, आप जो हमारे व्यूअर्स हैं इस वक्त, उनसे आप खुद क्या कहना चाहेंगे इस दुआ के सिलसिले में? जी मैं बस पहले तो अपना दो शेर आप लोगों को सुनाना चाहता हूं जिसमें मैं अपना माफियल ज़मीर बयान करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद है कि उन अशार में मेरा पैगाम जो है, जो मैं देना चाहता हूं वो अवाम तक या ईमानदारों तक पहुंच जाएगा। तो अगर इजाजत हो तो मैं वो शेर दो पढ़ दूं। जी प्लीज गो अहेड। जी तो अर्ज किया है कि हर जा मेरे खुदा का हर दम जहूर है, हर जा मेरे खुदा का हर दम जहूर है, दुनिया में सबसे आली उसका हजूर है, दुनिया में सबसे आली उसका हजूर है, सुनता दुआ है सबकी मालिक जहान का, सुनता दुआ है सबकी मालिक जहान का, देता मुराद सबको यजदां जरूर है, देता मुराद सबको यजदां जरूर है। हमें ईमान के साथ उससे मांगना चाहिए। दुआ एक ऐसा तरीका है जिससे हम खुदावंद के साथ बातचीत कर सकते हैं। ये यक तरफा नहीं होती जैसा कि अमूमन समझा जाता है कि हम दुआ को ग्रोसरी लिस्ट की तरह लेते हैं कि आए बाप हमें ये दे ये दे ये दे, और वो लिस्ट विश लिस्ट बहुत लंबी होती है। ये दो तरफा गुफ्तगु होती है जिससे हम खुदावंद के साथ जुड़ते हैं, वो हमारे हाल से पहले ही वाकिफ होता है, लेकिन वो चाहता है कि हम महसूस करें कि वो कादर मुतलक है, वो खालिक है, उसने तमाम दुनिया को पैदा किया है और हम उसके मखलूक हैं, उसके बगैर हम नहीं रह सकते और उससे दूर रहकर
हम अपनी जिंदगी को खुशगवार या खुशहाल गुजार नहीं सकते। दुआ रूहानी तौर पर हमें खुदा से मिलाती है और मौका फराहम करती है कि हम खुदा की आवाज को भी सुन सके, उसकी मर्जी को भी जान सके। इसलिए हमें दुआ करनी चाहिए। अपने अहवाल को बेशक वो जानता है, फिर भी हमें अपनी दरख्वास्त को शुक्रगुजारी के साथ, हलीमी के साथ, इनकसारी के साथ उसके हजूर पेश करना चाहिए। और ये कभी भी नहीं समझना चाहिए कि मैं इस काबिल नहीं हूं कि अपनी दरख्वास्त खुदावंद के हजूर पेश कर सकूं, मैं मुझ में इतनी खूबी या अहलियत नहीं है। नहीं, ये गलत फहमी है। हर आदमी के लिए उसने अपनी जान दी है, उसने अपना खून बहाया है और उसके जरिए बाप के साथ हमारी रसाई हर वक्त मौजूद है। और हर शख्स ईमान के साथ, नेक नीयती के साथ उससे दरख्वास्त कर सकता है और वो हमारी दरख्वास्त से सुनने के लिए हमेशा तैयार रहता है। और वो चाहता है कि मेरे लोग मुझसे मांगें और मैं उनको नवाजू। खुदा उन पर कर दे। जी, थैंक यू डॉक्टर रशीद। डॉक्टर नवाज, जब जैसा कि डॉक्टर रशीद साहब ने कहा कि ये वो खालिक है, मालिक है इस जहान का, तो क्या अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा है या महसूस, मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि खुदा ने इंसानियत को एहसास दिलाया है कि भाई मैं हूँ, अपनी राहों से जो राहें तुमने अडॉप्ट कर रखी हैं उनसे यू टर्न ले लो। आपका क्या ख्याल है? हो सकता है मैं गलत भी हूँ। थैंक यू पाद साहब, आप बेशक गलत नहीं हैं। आपने मेरे नज़दीक बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की है कि खुदावंद जो है वो हमें एक मतलब फिर वॉर्न कर रहा है कि मैं हूँ। सो जो आपने फरमाया कि जो गलत राहें तुम लोगों ने इख्तियार की हैं उसको अपने गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद की तरफ आए, ये बात बिल्कुल ठीक है। और आखिरी दिनों में के लिए जो खुदावंद के कलाम में डॉक्टर साहब, पाद साहब मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि जो खुदावंद के कलाम में मरकूम है आखिरी दिनों के ताल्लुक से, हमें बहुत सी ऐसी अपने इर्द गिर्द निशानियाँ नज़र आ रही हैं कि जो खुदावंद के कलाम को पूरा होते हुए हम देख रहे हैं। और बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है, बेशक इसमें कोई डाउट नहीं है कि खुदावंद की तरफ से ये एक बहुत बड़ी जो है वो अलार्मिंग जो है वो सिचुएशन है कि हम हर हालत में खुदावंद की तरफ मुड़ें और उसके नाम को जलाल दें। जी, थैंक यू डॉक्टर नवाज। डॉक्टर रशीद साहब, आपकी तरफ आऊँगा, आप ये बताइए क्योंकि आखिरी फ्यू सेकंड्स हैं, कि हमारे नाज़रीन को जो भी इस प्रोग्राम को देखे या आपसे राबता कायम करें दुआ के सिलसिले में, तो क्योंकि जैसा आपने दुआ कहा कि ये कि बहुत सारे घरों में, बहुत सारे लोगों में एक ग्रोसरी लिस्ट की तरह होती है, तो अब क्या ये वक्त है कि हम अपने आप को खुदावंद के यहाँ पेश करें कि खुदावंद आज के बाद से मैं ये करूँगा? क्या ऐसा करना चाहिए डॉक्टर रशीद? जी बिल्कुल करना चाहिए। और मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाना चाहूँगा, उन्होंने बहुत अच्छी बात की है और हासले कलाम यही है, तमाम गुफ्तगु का निचोड़ यही है कि ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। खुदा चाहता है कि हम तौबा करें, बरगश्तगी से हटें और अपनी हट धर्मी को छोड़कर खुदावंद को कबूल करें, अपने गुनाहों का इकरार करें और उसके पास जाएं और वो माफ करने के लिए कादर है। और जाते जाते मैं ये एक बात बताना चाहता हूं कि देखिए, उसने एक ऐसी वबा भेजी है कि दुनिया के तमाम साइंसदान अभी तक फेल हो चुके हैं। उन्होंने बड़े बड़े इंसानों की अकल को नाकाम कर दिया है। उसकी वजह यह है कि वो अपना जलाल, अपनी कुदरत और अपनी हैसियत को मनवाना चाहता है। तो ये एक हमारे लिए सुनहरी मौका है कि हम अपने गुनाहों का इकरार करते हुए ये तस्लीम करें कि खुदा बाप, तेरे बगैर हम कुछ भी नहीं है और जिंदगी में एक कदम भी नहीं चल सकते। जो कुछ भी है वो तेरी जात से है और तेरे बगैर
हम नहीं चल सकते, तुझसे जुदा होकर हम कुछ नहीं कर सकते। और ये उसने ऐसे हालात तरतीब दिए हैं कि हम मजमूई तौर पर उसकी हैसियत को तस्लीम करें कि वो कादर मुतलिक है, वो हर कुछ करने पर कादर है। वो लोग जो समझ बैठे थे कि हमारी साइंस, हमारी टेक्नोलॉजी और हमारी अकल दुनिया भर में सबसे अफजल है और खुदा की क्या हैसियत है, उन सब लोगों को खुदा ने अपने तरीके से एक सबक दिया है और हमको मौका फराहम किया है कि हम फिर एक दफा खुदावन के साथ जुड़ सके। I really appreciate your time कि आपने राज़े चमन को इतना टाइम दिया। नासिन, वंस अगेन डॉक्टर रशीद साहब ने जो दुआ का सिलसिला शुरू किया है, आप इनसे रابطہ कायम कीजिए, नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आएगा। और डॉक्टर नवाज से भी, ये नहीं कि आप सिर्फ डॉक्टर रशीद से रابطہ कायम कर सकते हैं, डॉक्टर नवाज साहब से भी आप रابطہ कायम कर सकते हैं अपनी दुआओं की रिक्वेस्ट के लिए। लेकिन दुआएँ अपनी जो हैं, जैसा कि दोनों हमारे पार्टिसिपेंट्स ने कहा है कि ये वक्त है कि हम अपने आप को सरेंडर करें, अपने आप को खुदावंद के सामने बिल्कुल कम्प्लीटली तौर बज़ाहिर नहीं, दिल की अथाह गहराइयों से हम अपने आप को सरेंडर कर लें कि खुदावंद मेरी रहनुमाई कर कि मैं तेरी बातों पर, तेरे हुक्मों पर, तेरे कलाम पर अमल कर सकूं। काश के हम सब इस लाइन में खड़े हो जाएं कि हम अपने आप को सरेंडर करें। खुदावंद आप सबको बरकत दे। वंस अगेन डॉक्टर रशीद साहब एंड डॉक्टर नवाज साहब, आप सब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। होपफुली आज का ये प्रोग्राम जो है वो हमारे नर्सिंग के लिए बहुत मुफीद साबित होगा। खुदावंद ने चाहा तो अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ एक और नए टॉपिक के साथ या मे बी करंट सिचुएशन ही पे बात करने के लिए आपके साथ ज़रूर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे एंड गॉड ब्लेस यू।